नमस्कार, इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर छत्तीसगढ़ की परंपरा के मुताबिक देवारी तिहार और गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम निवास को पारंपरिक ढंग से सजाया गया था। तो वहीं सीएम हाउस में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री निवास में सोआ डांस का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में सीएम बघेल पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। तो वहीं सीएम ने गोवर्धन पूजा से जुड़ी सभी रस्मों को निभाया। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। तस्वीरें देखिए सीएम हाउस की, किस तरीके से छत्तीसगढ़ी संस्कृति के रंग में रंगा हुआ नजर आया और सीएम बघेल पूरे परिवार के साथ नजर आए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हर एक रस्मों को निभाते हुए सीएम नजर आए। और जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, इसको आकर्षक ढंग से सजाया गया था। गोवर्धन पूजा के आयोजन तो सब गोप गुहार है, जबका भी गौ माता है, गौ वहां से सब लबचाए के काम भगवान कृष्ण करे। तो आज वही रास्ता चलते हुए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी गौ माता की सेवा करते हुए, भैंस वंशी हो चाहे गाय वंशी हो, सबके सेवा करे काम और सरकार करत है। गौ पालक मन के भी और गौ सेवक मन के भी, ओकरो मन के अर्थव्यवस्था सुधरे, ये दिशा हमारे सरकार काम करत है। अब उसकी चिंता वो ना करें ना, हमको जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है, किसानों ने कांग्रेस को जिम्मेदारी दी, तो हम उसकी चिंता कर लें, वो अपनी चिंता करें। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पार्टी लगातार विश्वास व्यक्त कर रही है। मैं किन शब्दों के साथ आभार व्यक्त करूँ, एक जिम्मेदारी और मिली है वहाँ भी। इस समय हिमाचल में परिवर्तन की लहर चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है 8 तारीख को जब काउंटिंग हुआ, कांग्रेस बड़ी पार्टी और स्पष्ट बहुमत के साथ सर जीत के आएगी। वो केवल राजनीति करने के लिए वो करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसके बारे में कुछ बोलना मतलब समय बर्बादी करते। तो व्यवस्था है, जब अध्यक्ष चुना जाता है उसके बाद कार्यकारिणी अपने आप भंग हो जाती है, तो वो एक प्रक्रिया है जिसके तहत किया गया है। अब जब नई कार्यकारिणी बनेगी, नए CW के चयन हो जाएगा, तो जब तक के प्रभार नहीं दिया जाएगा तब तक के फिर यही टीम काम करती रहती है। छत्तीसगढ़ की परंपरा हमारी जो संस्कृति से जुड़ना ही होगा, और 15 साल तक उनको मौका मिला था, उन इनको न सहेजने का काम किया, न उस परंपरा को जीने की कोशिश की, न उसमें कभी सम्मिलित हुए, न बढ़ावा देने का प्रयास किया। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद जो छत्तीसगढ़ की कला है, संस्कृति है, तीज त्यौहार है, परंपराएँ हैं, उसके साथ हम लोग सब मना रहे हैं, तो खुशियाँ और भी कई गुना बढ़ जाता है।